रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो मैं अपडेट देने वाला हूँ, निश्चित रूप से आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक नहीं, मैं दो लेटेस्ट अपडेट ऐसी देने वाला हूँ कि चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह सकते। तो अभी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये दृश्य कहाँ कहाँ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं क्योंकि मैं लेटेस्ट जानकारी और यूज़फुल कंटेंट जो टूरिस्ट के लिए उपयोगी होता है वही प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले एक नंबर की जो खुशखबरी है वह है कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर हिमाचल के जितने भी टूरिस्ट पैलेस है वो ओपन हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ओपन होने वाला है हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट पैलेस। और उन्होंने एक सप्ताह के अंदर मानक संचालन प्रक्रिया जिसको बोला जाता है SOP बनाने के निर्देश अपने जो अधिकारी है उनको दे दिए हैं। और केरल और गोवा के जो टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ की जो सरकार ने क्या SOP बनाई है उसका अध्ययन करके उसी प्रकार का या उससे मिलता जुलता SOP हिमाचल प्रदेश के लिए बनाने को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, जिससे यानी कि टूरिस्ट हिमाचल में एक सप्ताह के बाद जो SOP जारी होगी उसके आधार पर आपको प्रवेश मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिससे क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उससे 26% GDP का आय टूरिस्ट इंडस्ट्री से होती है। अब आपसे मेरा प्रश्न कि ये खबर कैसी लगी कि टूरिस्ट को अलाउ किया जा रहा है, क्या आप हिमाचल प्रदेश आना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो टूरिज्म डिपार्टमेंट भी देखता है। चाहे तो आप पिछला वीडियो मैंने एक पिन अप किया है उसको देख सकते हो, इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि हमें आना है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अपना वीडियो देख रहा है। और हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहां बादल आकर लोगों से मिलते हैं, यूँ कहें कि जिस भूमि को नमन करने बादल आते हैं वो ऐसी देवभूमि को हम बारम्बार नमन करते हैं। तो ये सुंदर नज़ारा कहाँ का है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बादल नीचे आ रहे हैं, आपसे मिलने को बेताब है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दृश्य कहाँ का है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सामरिक महत्व से जुड़ी है लेकिन आपसे भी जुड़ी है, इसलिए मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल टनल की, जिसका पुराना नाम है रोहतांग टनल, जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर के लगभग है। और ये सामरिक महत्व के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। साथ साथ में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और पांगी और लेह लद्दाख के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। उसका उद्घाटन जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ फिटिंग, बिजली फिटिंग और कुछ पानी की पाइप्स फिटिंग का कार्य शेष बचा हुआ है। आप कहेंगे कि वीडियो क्यों नहीं दिखाया, सामरिक महत्व के कारण मैं उस वीडियो को मैं नहीं दिखाता। और आज तक मेरा ये 506वां वीडियो है, सेना का मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है सामरिक महत्व के कारण। तो ये हमारा फर्ज बनता है, हमारे देश के प्रति कोई भी सामरिक महत्व की फ़ोटो है वो न डाले, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो हम बात करते हैं अटल टनल या रोहतांग टनल। तो सितंबर के जो प्रथम सप्ताह है उसके अंदर लोकार्पण करेंगे, हो सकता है कि पहले भी लोकार्पण हो जाए, क्योंकि जो चीन के साथ हमारा जो संबंध चल रहा है उसके लिए ये अति आवश्यक है। वैसे वाहनों की आवाजाही चालू है,
वो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार के वाहन गुजर रहे हैं। और यह जो टनल है वो देश को मजबूत करने का कार्य करेगी। और साथ में बता दें कि कोरोना काल के अंदर भी ये जो टनल है बंद कर दी गई थी, क्योंकि संक्रमण न हो। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो सामरिक महत्व के जो वाहन है उसको अलाउ किया जा रहा है, इसलिए उस स्थान का वीडियो मैंने नहीं डाला है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरी भावना को समझ गए होंगे। दोनों अपडेट आपको ज़रूर पसंद आई होगी, यानी कि हिमाचल टूरिस्ट के लिए खुलने वाला है और रोहतांग टनल है उसका उद्घाटन होने वाला है, जो दोनों ही टूरिस्ट के लिए उपयोगी है और आपको दोनों उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप यात्रा करना चाहते हैं, अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इस संबंध में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, और इसलिए चैनल को कीजिएगा अभी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आप हिमाचल प्रदेश में कहाँ घूमना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।